सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बग हीरोज टावर डिफेंस, ये जो हमारा गेम है, ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है, मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। और अगर मैं इस गेम के साइज़ की बात करूँ ना, तो ये गेम आपको 700 MB के आसपास में प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है। अब पता है एक चीज़, ये चीज़ में ना, मतलब इस गेम में एक चीज़ आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा है कनेक्टिंग टू सर्वर, मैं ऑफलाइन हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ऑफलाइन हूँ, मगर यहाँ पर जो है ये कनेक्टिंग टू सर्वर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो वो हट चुका है। अब वो पता नहीं क्या है, मगर हाँ, हम यहाँ पर इस गेम को जो है ना, बिना इंटरनेट और वाईफाई के प्ले कर सकते हैं बिना किसी एरर के। तो हाँ, ये एक ऑफलाइन गेम है। अब वो भले ही वहाँ पर उन्होंने कनेक्टिंग टू सर्वर लिखा है, मगर आप इस गेम को ऑफलाइन में खेल सकते हैं। यहाँ गेम में अगर मैं दिखा दूँ कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स की सेटिंग तो शायद यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं लो, मीडियम, हाई पर जाती है, शेडो अल्ट्रा तक पे ही जाता है, एंड सॉफ्ट शेडो है तो ये अल्ट्रा तक कर लेते हैं हम, एंड ये लो मीडियम हाई पर ही रहेगी। डिस्टेंस ब्लर चाहे तो ऑन कर सकते हैं, ऑप्शनल है। बाकी हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं एंड वेव्स को लाने देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि गेम की जो ग्राफिक्स है ना, काफ़ी अच्छी है। अब ये टावर डिफेंस गेम तो ज़रूर है, मगर गेम को आप जब खेलेंगे ना, तो आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ना, अलग अलग ये हम इसको जो है ना, वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, और इधर से मैं इसको पीछे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। तो बिल्डर्स हमको कुछ कुछ टास्क भी दिए गए हैं। अब इनको यहाँ तक पहुँचने से पहले मुझे इनको रोकना है, ओके। तो ये जैसे यहाँ पर से निकल रहे हैं ना, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो मैं जो है इसको थोड़ा सा बना देता हूँ अच्छा खासा, क्योंकि डीएक्टिवेट करने के लिए इसको मारना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये तो बड़ी दिक्कत दे देगा। तो इसको किल करके और वेव 9 को हम बुलाते हैं। बाकी एक सेकेंड, यहाँ पर जो है ना, हमारे पास में और भी होने चाहिए, मगर वो चीज़ देखनी पड़ेगी। हाँ ओके, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, एंड हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते शायद। और अब देखते हैं, इसको यहाँ पर से उठाते हैं, एंड इस बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो चलो ठीक है। बाकी ये जो हमारे पास में अच्छा खासा बड़ा खासा हैमर है ना, तो ये थोड़ा हेल्प करेगा हमारी आगे। तो यहाँ कुछ हमको मिला है, कलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वेव को बुलाते हैं, वेव 10 को। और ग्राफिक्स देख सकते हैं, 700 MB के हिसाब से अच्छी ग्राफिक्स है इसकी। और इस पर क्या है ये, इस चीज़ को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो ये एक ही है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं बड़ा कैसे करूँ, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर से ना ये, हाँ यहाँ पर इसको लगा सकते चाहे तो इस तरफ में इसको लगा देंगे। तो जैसे जैसे हम किल करते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा ना, कि यहाँ पर हमको और भी चीज़ें मिलेंगी, तो हम और ज़्यादा बड़ा लगा सकते हैं। अब इस बार क्या हो रहा है ना, कि वेव जो आ रही है ना, थोड़ा दूर से आ जा रही है, तो अच्छा खासा दूरी मिल जा रही है उनको। तो मैं चाह रहा हूँ ना कि पूरा इस तरफ में लगा दूँ एक। अब पेपर वेपर ये जो, इसको हटाओ थोड़ा, देखो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना कुछ है नहीं। बाकी ये है, मिनिएचर स्टाइल में है पूरा का पूरा, मतलब वो आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है, क्या मारा है, इसको डीएक्टिवेट करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं है, हमको कुछ रिफंड मिलेगा नहीं, उससे अच्छा है कि इसको मारते रहने दो, फ़ायदा होगा। बाकी हाँ, आपने जो है इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।